Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. Hope you all guys are doing well. मैं घर में ऐसे ही बैठा था, सो मम्मी बोली चल जाके डीमार्ट जाके आते हैं सब ग्रोसरीज भरने के घर का. एंड अभी गणपति पापा भी आने वाले, सो इसलिए भी सामान लगेगा घर पे थोड़ा. तो राइट नाउ इट्स 4 PM, शाम के 4 बजे. अभी हम लोग डीमार्ट जाने वाले हैं डोंबिवली में. हम लोग के डोंबिवली में बहुत बड़ा डीमार्ट है. सो ये है बैग्स, ये बैग्स इसके अंदर सामान रख के लाएंगे हम लोग. डीमार्ट वाले भी बैग देते पर वो लोग कॉस्ट लगाते उसका समथिंग 10 to 15 rupees, वो भी एक थैले का. फिर इसे 4-5 थैला तो लगता है, इतना 50 रुपये कौन थैले में डालेगा, वो भी प्लास्टिक थैले में. प्रिय ग्राहक, COVID-19 से अपनी सुरक्षा के लिए कृपया अपना फेस मास्क ठीक से पहने. कृपया फेस मास्क अपनी नाक और मुंह के नीचे न लाएं, अन्यथा नगर पालिका अधिकारी आप पर जुर्माना लगा सकते हैं. धन्यवाद. अभी मैं एवरेस्ट आया हूँ मम्मी के साथ. गणपति पापा के लिए अगरबत्ती एंड ऑल लगते ना गणपति में, सो वो ही लेने को आए हम लोग अभी. अरे मामा मून मून मिसल चालू है, जायसा का. अभी हम लोग मून मून मिसल आए खाने को, मिसल पाव. ये मून मून मिसल है ना, ये डोंबिवली वेस्ट में सबसे फेमस है. ये डोंबिवली स्टेशन के नज़दीक ही एवरेस्ट हॉल के इधर. एज यू कैन सी वहाँ पे स्टेशन और यहाँ पे ये मून मून मिसल है. सो ये लॉकडाउन में बंद था, इतने 1 साल हुआ हम लोग ने खाया नहीं अब तक मून मून मिसल. सो फाइनली 1 साल के बाद खाने को मिला. बीच में भी लॉकडाउन ओपन हुआ था तभी भी बंद था ये दुकान. यहाँ पे ये अगरबत्ती का स्टॉल है, यहाँ से हम लोग लेने वाले हैं अगरबत्ती. अभी हम लोग दूसरे जगह आए क्योंकि वहाँ पे जो अगरबत्ती चाहिए था हम लोग को वो नहीं था. सो अभी हम लोग दूसरे दुकान में आए. अभी गणपति के वजह से सब जगह माल जल्दी से ख़त्म हो रहा है, इसलिए हम लोग भी जल्दी आए. 1 घंटे पर मोर या The next day. ब्रिज है हमारे डोंबिवली का, ईस्ट वेस्ट ब्रिज, क्योंकि कोपर ब्रिज भी बोलते हैं इसको. और ये दो साल हुआ है इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए. 2 साल से बंद था, पिछले गणपति में बंद किया था और ये गणपति के पहले ही चालू किया है. एज यू कैन सी ब्रिज चालू हो गया, तो सबके चेहरे पे खुशी है. मीन्स 2 साल से ब्रिज अभी फाइनली खुला है, सब लोग खुश है. देखो
और फेस्टिवल हम लोग के डोंबिवली में पहले एक नया ब्रिज भी बनाया था ठाकुरली के साइड, पर फेस्टिवल्स आया ना तो पूरा ट्रैफिक में से पूरा एक एक घंटा ब्रिज पे जाता था हम लोग का। सो अभी ये भी ब्रिज बना है अभी हम लोग का कोपर साइड का, अभी ट्रैफिक पूरा नील होने वाले में, अभी बहुत कम ट्रैफिक होने वाले हम लोग। और ये हम लोग का डोंबिवली रेलवे स्टेशन। ये ब्रिज बनने के बाद एडवांटेज है ये कि डोंबिवली कोपर साइड में बेसमेंट जो रहते ना वो लोग को ट्रैफिक से छुटकारा मिला फाइनली, नहीं तो पहले बहुत ट्रैफिक होता था। और यहाँ पे मेरे को एक अंकल दिखे थे जो कि प्रेस में थे लगते, ये लोग ने काट दिया है, ये लोग ने थोड़ा सा मेरे को ब्रिज पूछा ये ब्रिज के बारे में कैसा क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है तेरे को इतना साल के बाद ब्रिज खुला है। हमारे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे उनके हाथ से इनॉग्रेट हुआ है आज डोंबिवली का ब्रिज। वो तो कोरोना के वजह से तो नहीं आ पाए पर वीडियो कॉल थ्रू उन्होंने इनॉग्रेट किया आज। और पुल के इनॉग्रेशन के लिए नरेंद्र शिंदे भी आए थे और उनके साथ केडीएमसी के हेड थे डॉक्टर सूर्यवंशी आई थिंक उनका नाम, वो भी थे और बहुत सारे जन थे इनॉग्रेट के लिए, रिबन वगैरह काटा उन्होंने वहाँ पे। ब्रिज बंद होने के पहले एक ब्रिज स्टार्ट किया था ठाकुरली के साइड से, नया ब्रिज बनाया था वहाँ पे। अभी डोंबिवली वेस्ट में आने के लिए अभी दो दो ब्रिज हो गए, एक अपना ठाकुरली का और एक नया बनाया अभी कोपर का। अभी डोंबिवली में और एक ब्रिज बनने वाला है, इसके लिए हार्डली टू टू थ्री इयर्स लगेगा, जो कि वो मानकोली ब्रिज है अपने खाड़ी के वहाँ पे डोंबिवली टू ठाणे के टच करने वाला वो ब्रिज। ठाणे तो अभी हार्डली 15 मिनट्स रहने वाला है, वो भी एक टाइम कंज्यूमिंग होने वाले जो डोंबिवली में रहते हैं। पहले बहुत जन बोलते थे कि डोंबिवली एक गाँव है करके, टोटल 5 साल रुको और डोंबिवली का काया पलट होने वाला है, मीन्स पूरा नक्शा चेंज हो गया देखो डोंबिवली का। और भीड़ बहुत थी वहाँ पे, मैं इसलिए ब्लॉग ज़्यादा नहीं निकाला, सिर्फ वीडियो कैप्चर किया बस उतना ही। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय। और एक सेकेंड, गणपति के ब्लॉग्स एक नंबर आने वाले, सो अभी से ही सब्सक्राइब करके रखना चैनल को, मिलते गणपति के टाइम, बाय। और गणपति के डेकोरेशन की वीडियो भी डालने वाला हूँ मैं, सो वो भी चेक कर लेना थोड़े दिन के बाद, बाय। Oh, oh, oh.